नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। G20 वैश्विक महाकुंभ का उत्सव मना रहा देश। आज फिरोजाबाद के SRKPG कॉलेज में G20 वैश्विक निवेश कुंभ का आयोजन हुआ। एक दिवसीय संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हस्तियां पहुंची शिरकत करने के लिए। कई विश्वविद्यालय से पधारे मुख्य अतिथियों ने फिरोजाबाद पहुँच अपनी भूमिका निभाई। बता दें कि आज फिरोजाबाद के SRKPG कॉलेज में हुए संगोष्ठी के आयोजन में जिसमें G20 का महत्व बताया गया, साथ ही भारत में निवेश पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर SK जैन के अलावा आगरा विश्वविद्यालय कुलपति आशु रानी द्वारा की गई कार्यक्रम की अध्यक्षता। इसी के साथ कानपुर और अलीगढ़ के उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर रिपुदमन सिंह, प्रोफेसर रेखा रानी तिवारी भी पहुंची। G20 की एक दिवसीय संगोष्ठी में सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। SRKPG कॉलेज के विद्यार्थियों ने संगोष्ठी में सभी वक्ताओं की बताई गई जानकारी को गंभीर रूप से सुना। इस मौके पर मुख्य अतिथि के अलावा कॉलेज सह सचिव डॉक्टर विनय कुमार, प्राचार्य प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिसोदिया के अलावा कॉलेज के शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। रिपोर्ट ऋषि पंडित। SRKPG कॉलेज में G20 के संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की जो भूमिका रहेगी वैश्विक परिदृश्य में उसके ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से कुलपति प्रोफेसर SK जैन साहब वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आपके द्वारा जानकारी भी दी गई G20 पर, किस तरह की जानकारी? देखिए, भारत के लिए बहुत ये गौरव की बात है कि हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूर्व के प्रयास थे वो सब सफल हुए हैं और ये आयोजन यहाँ होना संभव हो पाया है। तो जितने भी हमारे जो मुख्य G20 में जितने भी संदर्भित हैं, जो भी देश हैं जितने भी, उनके संदर्भ में हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर सबसे बड़ी मुख्य बात है। उसके साथ साथ जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, स्किल एनहांसमेंट है, और हाउ वी कैन प्रोजेक्ट अवर इंडियन कल्चर और हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को हम पूरे विश्व में कैसे ले जा सकते हैं जिससे वो लोग भी कुछ सीख पाएँ और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में हो, सो दैट हम लोग की यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जो समस्याएं हैं वो कुछ कम हो, नए नए उद्योग लगे हैं, यही सभी चीज़ों पे जानकारी। एक थॉट दिया था, एक स्लोगन, फूल वाला तलवार वाला, वो बताना चाहिए? अच्छा, वो ये कहना पड़ेगा कि केवल हम छात्रों से मेरा ये संदेश है कि केवल हम सोचते नहीं रहें कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हमको आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल के ऊपर फोकस करें। स्किल जब तक नहीं होगा तब तक हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो वही मेरा था कि वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, बाजुओं को आजमाने का ज़माना आ गया है, साथियों आंधी उठाने का ज़माना आ गया है। SRK के लिए क्या कहना चाहिए? SRK अच्छा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है फिरोजाबाद का, और इसको NAC के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी NAC का एक्रेडिटेशन अगर हमारे इस महाविद्यालय का होता है तो उनको बहुत जगह से फंडिंग मिलेगी और सभी छात्रों को भी लाभ होगा। यहाँ के प्राचार्य और सभी शिक्षक अपनी पूरी क्षमता से इसके विकास में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। G20 की जानकारी दी गई है और G20 एक्चुअल में क्या है, G20 की अवधारणा क्या है, G20 के बारे में बच्चे शायद बहुत तो नहीं जानते थे पर कुछ जानकारी दी, जैसे 20 देश हैं 19 से, वो जानकारी दी गई है। क्या करना है, G20 का उद्देश्य क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, ये सब जानकारी दी बच्चों। मैडम देखिए, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो वसुदेव कुटुंबकम की है, जो G20 में भी है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो वी वाली है, हम वाली है। आप मेरे परिवार में हैं, आप मेरी बहन हो सकती हैं, और भी कोई रिश्ता हो सकता, लेकिन जो आई आज हम हो गए हैं कि मैं आज, आप देखिए
इस विज्ञापन युग में मैं हर एक को देखिए मैं पे उतरा हुआ है, है ना, कि सिर्फ मैं, आप भी अपने अंदर सोच रहे होंगे मैं ये तरक्की कर जाऊं, मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि ये भी तरक्की करें, ये भी तरक्की करें, हर आदमी को एक वो था कि भई ये हमारा परिवार है, ये पूरा भरा पूरा रहे, ऐसा कहते थे हमारा परिवार भरा पूरा है। कई बार आपने सुना होगा कि डेथ के बाद जब हम संवेदना व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि भाई भरा पूरा परिवार छोड़ गए, आज क्या कहते हैं, चार कंधे भी नहीं। तो वो आई की परिकल्पना आज दिख रही है, वी होना चाहिए, हम है, ये परिवार खड़ा है। छात्र छात्राओं में पोटेंशियल है, ये तो मेरा शुरू से हर बच्चे में, मेरा अपना मानना है कि हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर एक आर्ट है, सिर्फ ये उसको उकेरना है, उसको कैसे उकेरा जाए इस पे जोर देना चाहिए। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, खुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह, बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार फैमिली फिजिशियन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में, फिरोजाबाद।